वंदेहम श्रीगुरु श्युतपदकमलम श्रीगुरून् वैश्वांश्च श्रीरूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विदांश्च यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसादा नगति कुतोपि ध्यायं स्तुमंस्तस्य शास्त्रिसंध्यां वंदे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरि प्रिये जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एछे गोसाईर कोरी चरण वंदन जहाँ होइते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हम सब चर्चा करते चले आ रहे हैं हमारे प्यारे गौड़ीय वैष्णवाचार्य श्री विश्वनाथ चक्रतिपाद जी की एक बहुत ही सुंदर रचना श्री प्रेम संपुट पर। श्याम सुंदर रसिक शेखर हैं, रसोवैसाह हैं, स्वयं रस की वैचित्र का आस्वादन करते हैं और अपने भक्तों को भी रस की समस्त वैचित्र का आस्वादन कराते हैं। श्याम सुंदर अपने भक्तों को राग भक्ति प्रदान करते हैं और भगवान यानी स्वयं ब्रजेंद्र नंदन के अन्य जो स्वरूप हैं, चाहे वो वासुदेव स्वरूप ही क्यों ना हो, वो अपने भक्तों को वैधी भक्ति प्रदान करते हैं, वैधी भक्ति। तो श्याम सुंदर अपनी ही नित्य कांताओं को परकिया अभिमान दे देते हैं, परकिया भाव दे देते हैं और स्वयं उसी उपपति भाव में लीला करते हैं। समस्त गोपिकाएं और विशेषतया श्री राधा रानी श्याम सुंदर की अपनी ही आह्लादनी शक्ति हैं, उनकी अपनी शक्ति हैं और राधा रानी से प्रकटित हैं समस्त गोपिकाएं जिनके साथ श्याम सुंदर आनंद रस का सेवन करते हैं और सेवन कराते हैं अपने भक्तों को भी, क्योंकि इन लीलाओं को सुन करके श्रृंगार रस की साधना करने का लोभ भक्तों में उत्पन्न होता है। तो इस अचिंत्य प्रेम का आस्वादन करते हैं श्याम सुंदर और एक बूंद प्रेम भी उनको वश में कर लेता है अगर वो विशुद्ध हो, मदीयता भाव वाला हो, मेरापन का भाव हो उसमें, तो वो भी उनको वश में करता है। तो श्री जी तो किशोरी जी तो बनी ही महाभाव से हैं, है ना, प्रेम का जहाँ उत्कर्ष है, प्रेम जिसके आगे बढ़ ही नहीं सकता, वो जो महाभाव है, प्रेम का जो सार है, महाभाव तत्व, उससे श्री किशोरी जी का गठन हुआ है, महाभाव स्वरूपिणी
तो उनके हृदय में कितना प्रेम होगा ये तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। श्याम सुंदर चाहते हैं कि उनके इस प्रेम को सब जाने। तो हमने जाना कि श्री कृष्ण वहां पर आए यानी राधिका जी के पास, और उन्होंने एक देवांगना का रूप धारण किया यानी स्वर्ग की देवी का रूप धारण किया, और वो इतनी सुंदर दिख रही हैं वो स्वर्ग की देवी कि श्री राधा रानी उनसे बात करने के लिए बहुत आतुर हैं। और हो भी क्यों ना, श्याम सुंदर ही तो उस देवांगना के रूप में आए हैं, तो वो इतनी सुंदर हैं कि किशोरी जी उनसे तरह तरह की बातें कर रही हैं। और अंततः वो जो देवांगना जो कि चुप थी इतने समय तक, अचानक उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और उस देवांगना ने कहा कि राधिके, श्याम सुंदर की बंसी स्वर्ग तक जाती थी और स्वर्ग की समस्त स्त्रियां देवियां श्याम सुंदर की बंसी मात्र सुन करके अपने पतियों से घृणा करने लग जाती थी। इतनी अपूर्व बंसी माधुरी सुन करके वो विगलित हो जाती थी और श्याम सुंदर को पाने की एक लालसा उनके अंदर पैदा हो जाती थी। लेकिन मैं यहाँ पर उसी लालसा के वशीभूत होकर के आ गई कि देखूं कौन बंसी बजाता है, कहाँ से बंसी की आवाज़ आती है। और मैं यहाँ आकर के वंशीवट में रुक गई और देखा कि श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं, और तब देखा तुम्हारे प्रेम को भी, और ये भी देखा कि श्याम सुंदर कितने कामुक हैं, महाकामी हैं, अनेकानेक स्त्रियों के साथ रमण करते हैं, तुमसे प्रेम की बात करते हैं और फिर तुमको छोड़कर चले जाते हैं। तुम रात्रि को किसी तरह आती हो गुरुजनों की वंचना करते हुए, है ना, किसी तरह से पहुंचती हो, किसी तरह से अनेक बाधाओं को सहते हुए उस संकेत स्थान पर पहुंचती हो जिसे श्री कृष्ण ने नियत किया है कि तुम वहां आओ, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आते और तुम जो रोती हो उनके विरह में, वो क्रंदन मुझे बड़ा क्षुब्ध कर देता है। क्योंकि श्री जी का ये जो क्रंदन है वो मोहनाख्या महाभाव में होता है, विरह की अवस्था में होता है, और वो ब्रह्मांड को भी क्षुब्ध कर देता है, वो तिर्यक जाति को भी रुला देता है, ये हमने जाना। तो उस कामी कृष्ण के इतने वशीभूत हो तुम, उससे तुम प्रेम क्यों करती हो? ये किस प्रकार का प्रेम है तुम्हारा, हमें बताओ। किशोरी जी ने कहा, अगर तुम प्रेम की बात करती हो तो तुमने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी, मेरे प्रियतम को तुम कामुक बोल दी, है? और ना जाने कितनी बातें तुमने कह दी उनके लिए, फिर भी ना जाने क्यों मेरा चित्त तुम्हारे प्रति बड़ा ही मुग्ध है, आकर्षित है। ऐसे ही श्याम सुंदर के प्रति मेरा चित्त आकर्षित रहता है, वो चाहे कुछ भी क्यों ना करे। मैं सोचती तो बहुत हूँ, ठीक है अब ये प्रेम नहीं होगा, आगे से ये प्रेम नहीं करूँगी, लेकिन जैसे ही उन्हें देखती हूँ मैं मुग्ध हो जाती हूँ। और इस प्रेम का रूप क्या है ये तुम अभी कैसे समझोगी? तुमको यहाँ रहना होगा, तुमने अपने आप को मेरी सखी कहा है, यहाँ रहो और धीरे धीरे समझने का प्रयास करो। स्वयं मैं क्या समझाऊंगी, भाषा के द्वारा प्रेम तत्व को कोई समझा नहीं सकता, अनुभव के द्वारा ही प्रेम तत्व समझ में आता है। तुम यहाँ रहोगी, अनुभव पाओगी तो प्रेम तत्व समझ में आएगा, अन्यथा प्रेम तत्व समझ में नहीं आएगा। लेकिन देवांगना ने हट कर लिया कि नहीं, कुछ तो बताओ, मैं आपके श्रीमुख से इस प्रेम को जानना चाहती हूँ कि ये प्रेम है क्या। तब किशोरी जी ने बताया कि देखो, ये जो प्रेम है ना, ये ऐसा है श्री कृष्ण के प्रति प्रेम कि ये कभी भी ध्वंस नहीं हो सकता, क्योंकि ये निरुपाधिक है। जो प्रेम
उपाधि युक्त होता है वो ध्वंस हो जाता है, क्योंकि वहाँ एक कारण रहता है, है ना। किसी का धन देख करके प्रेम हुआ, किसी का यौवन देखकर, किसी का बल देखकर, किसी की विद्या देखकर प्रेम हुआ, और अगर वो चीज़ें नहीं रही तो फिर वो प्रेम भी नहीं रहा। तो इसलिए मेरा प्रेम निरुपाधिक है, और श्री कृष्ण की प्राप्ति की संभावना जहाँ पर होगा, यहाँ एक संभावना है, हमें पता लग गया कि आज श्री कृष्ण से मिलन होगा ही, और उस मिलन के रास्ते में कितनी ही दुख क्यों ना आए, उस संभावना के लिए मुझको कितने ही प्रकार के भयंकर दुख क्यों ना सहने पड़े, वो दुख भी मेरे लिए सुख हैं। और जहाँ उनकी प्राप्ति की संभावना नहीं है, वहाँ कितने भी सुख क्यों ना मिल जाएं, वो सुख हमारे लिए जो है सुख नहीं है, वो दुख है। तो ये जो प्रेम है, इसे विचार करके नहीं किया जाता। ये प्रेम विचार और अविचार से बहुत ऊपर की वस्तु है। यहाँ प्रेम जिससे किया जाता है, उसके सुख के अलावा अन्य कोई कामना नहीं रहती। प्रेमिक के हृदय में प्रेमी के सुख के अलावा अन्य कोई भी कामना नहीं रहती, यहाँ तक कि वो अपने देह को भी भूल जाता है। अन्य अभिलाषा की तो बात ही क्या है, देह तक की भी स्मृति नहीं रहती। ये प्रेम वैसा प्रेम है, प्रगाढ़ है। और अगर श्री कृष्ण की सुख की कामना ना हो और आनुकूल्य पूर्ण उनको सुखी करने की कामना ना हो किसी के हृदय में, तो वहाँ प्रेम नहीं आ सकता। अगर किसी के हृदय में विचार बुद्धि जागृत हो जाए तो वहाँ प्रेम नहीं आ सकता, है ना। तो ये जो एक विशिष्ट अवस्था का नाम है प्रेम, प्रेम जो वस्तु है वो अन्य निरपेक्ष है और स्वयं वेद्य है। प्रेम ही प्रेम को जना सकता है। जिसके हृदय में प्रेम होगा तो उसके अनेक अनेक लक्षण अपने आप पैदा हो जाएंगे, तो वो प्रेम ही बता देगा कि देखो मैं हूँ इसके हृदय में, है ना। कोई बता नहीं सकता कि मैं प्रेमी हूँ, मैं प्रेम कर रहा हूँ। प्रेम ही बता देगा कि ये प्रेमी है। तो अब श्री किशोरी जी कह रही हैं, प्रेम के उदय होने पर चित्त की एक अवस्था की बात कह रही हैं कि जब चित्त शुद्ध होगा, अर्थात शुद्ध चित्त का अर्थ क्या हुआ, हम कब कहते हैं कि चित्त अशुद्ध है, हमारा चित्त तो मलिन है, मलिन है, काम है, वासनाएं हैं, ये है वो है। तो शुद्ध चित्त की परिभाषा किशोरी जी दे रही हैं कि जब चित्त में श्री कृष्ण के सुख के अलावा अन्य कोई अभिलाषा नहीं रहेगी, उसे ही शुद्ध चित्त कहा जाता है। श्री कृष्ण के सुख की अभिलाषा के अलावा अन्य अभिलाषा का पूर्णतया समाप्त होना ही चित्त की शुद्धि कहलाता है। तो चित्त शुद्ध तभी होगा। और दूसरी बात, चित्त विचार अविचार दोनों से रहित हो जाएगा, अर्थात यहां तक कि इस प्रेम के परिचय को देने की वृत्ति भी चित्त से हट जाएगी। जिस समय प्रेम होगा, उस समय एक तो श्री कृष्ण के सुख की ही अभिलाषा चित्त में बस जाएगी, दूसरा विचार और अविचार, किसी चीज पर विचार किया जाए या नहीं किया जाए, इन दोनों का भेद भी समाप्त हो जाएगा, ऊपर उठी हुई बात है। और तीसरा कि प्रेम का परिचय कराने की जो वृत्ति है कि हम प्रेमिक हैं, हमारे अंदर प्रेम है, वो भी समाप्त हो जाएगा। किंतु चित्त की ये जो अवस्थाएं हैं, अगर स्वाभाविक नहीं है, फोर्स्ड हैं, विचार पूर्वक लाई गई हैं, तो वो प्रेम नहीं है। ये स्वाभाविक होनी चाहिए। चेष्टा द्वारा इस प्रकार से अगर कोई कृत्रिम अवस्था प्रकाशित हो, तो उसे हम प्रेम नहीं कह सकते। प्रेम का स्वाभाविक
अनुभाव या सात्विक भाव देखकर ही प्रेम का परिचय पाया जा सकता है। प्रेम को समझने के लिए इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं। यानी जिसके हृदय में प्रेम होगा उसके कुछ अनुभव होंगे, कुछ लक्षण होंगे, कुछ सात्विक विकार होंगे जिन्हें देखकर एक व्यक्ति ये समझ सकता है कि इसके हृदय में प्रेम है, वरना कोई उपाय नहीं है। प्रणयी जन को सुखी देखकर, यानी जिससे हम प्रेम कर रहे हैं, यानी श्याम सुंदर को सुखी देखकर, स्वभावतः जब हृदय में सुख संजात होता है तभी ये समस्त अनुभव आदि प्रकाश होते हैं, तभी समझा जाता है कि इस व्यक्ति को प्रेम हुआ है। ध्यान दीजिए, प्रेम का अर्थ ही है स्व सुख वासना रहित का राहित्य, यानी स्व सुख की अभिलाषा वहाँ नहीं होनी चाहिए। तो इसका अर्थ यह है कि जब हम प्रेम कर रहे हैं श्री कृष्ण से, युगल सरकार से, तो वहाँ हम उनसे सुख लें, ये प्रेम मुझे सुखी करे, ये अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। तो क्या अभिलाषा होनी चाहिए? श्री कृष्ण का सुख मात्र, यही अभिलाषा। तो जब श्री कृष्ण को सुखी कर रहे हैं तो हृदय में स्वयं ही अपने आप उनको सुखी देखकर हमारा हृदय अपने आप सुख प्राप्त कर लेगा। अभिलाषा नहीं है तो भी, अभिलाषा नहीं है तो भी अपने प्रेमिक को, अपने श्री कृष्ण को मैंने सुखी किया और उससे मैंने उनका प्रफुल्ल चेहरा देखा, उस सुख से, उस आनंद से भरा हुआ चेहरा देखा, देखकर ही मैं प्रसन्न हो गई, सुखी हो गई, तो सुख आया। अभिलाषा नहीं की तो भी आया स्वतः। तब जब ऐसा होगा तो समस्त अनुभव आदि प्रकाशित होंगे, समस्त लक्षण सात्विक विकार प्रेमिक के विग्रह पर, शरीर पर प्रकाशित होंगे। सिंह जैसे हस्ती समूह को पराजित करता है और उनके द्वारा ही अपनी पुष्टि लाभ करता है, हाथी आते हैं और हाथियों को पराजित करता है और उनका माथा वगैरह खाकर स्वयं पुष्ट हो जाता है सिंह। हाथियों ने हमला किया और सिंह ने उन हाथियों को पराजित कर दिया। उनका माथा, माथा ही कहते हैं कि उनका बड़ा कमजोर होता है, और वहीं पर प्रहार करके और जो है उनका माथा ही खा लिया तो पुष्टि हो गई। इसी प्रकार, ध्यान से सुनिए, इसी प्रकार यह लोक, यानी ये लोक, ये लोक जहां हम रहते हैं, परलोक स्वर्ग आदि आत्मीय स्वजन, माता पिता भाई बंधु पति पत्नी जो कुछ भी है, शत्रु वर्ग, निज देह, मेरी देह, यह देह संबंधी जितने भी विषय हैं उन सब से, यहां तक कि जिससे हमने प्रेम किया है उससे भी, जो कि हमारे प्राणों से भी प्यारा है, अगर उससे भी, अगर हमें सुमेरु पर्वत से भी बड़ा कोई क्लेश मिले, कोई दुख मिले, तो अतिशय बलवान प्रेम उन क्लेशों को पराजित करके उन्हीं के द्वारा स्वयं पुष्टि लाभ करेगा, स्वयं पुष्ट हो जाएगा। बहुत सुंदर बात कही है किशोरी जी ने। सिंह अकेला जा रहा है और किसी हाथी ने यह सोचकर कि सिंह जो है छोटा सा जानवर है और उस पर प्रहार कर दिया, तो सिंह तो सिंह है और उसने उसका मस्तक खा करके उसको ना केवल पराजित किया अभी तो वो पुष्ट भी हो गया और वन के समस्त लोग जान भी गए, समस्त प्राणी, कि सिंह बहुत पराक्रमी है, यही जंगल का राजा है। इसी प्रकार से जब प्रेम किया तो हो सकता है इस लोक में बहुत कष्ट झेलने पड़े, ठीक है, प्रेम किया श्याम सुंदर से, परलोक कि अरे ये क्या करती हो, आर्य धर्म छोड़ती हो, पति धर्म छोड़ती हो, कुल की मर्यादा छोड़ती हो, तुम्हारा परलोक बिगड़ जाएगा, है ना। देखिए ये जो परकिया भाव है ना, ये भगवान ने आरोपित किया है अपनी आह्लादिनी शक्ति पर, अपनी नित्यकांताओं पर, अपनी गोपियों पर। तो परकिया भाव वहाँ पर सजता है, परकिया भाव वहाँ पर पूजनीय है, परकिया भाव वहाँ पर प्रेम की पराकाष्ठा को दिखाता है, रस की वैचित्र्य को दिखाता है। पर वही परकिया भाव
या कहिए यहाँ तो फिर सभी वैसे परकियाँ हैं जैसे बोला, अगर उसी परकिया संबंध को अगर हम यहाँ दुनिया में पति पत्नी के बीच में आरोपित कर लेंगे, हैं कोई स्त्री इस प्रकार से परकियत्व अपने जिंदगी में ले आएगी तो वो नरकगामी होगी, ये तो बहुत क्लियरली हमें समझना होगा। तो यहाँ परकिया भाव की एस सच प्रशंसा नहीं हो रही है, यहाँ श्री कृष्ण के संबंध में परकिया भाव की प्रशंसा हो रही है। श्री कृष्ण के संबंध में सब कुछ ही पूजनीय है, हर भाव पूजनीय है ना, हर भाव वंदनीय है, उनकी चोरी, उनका झूठ बोलना, उनका सब कुछ वंदनीय है, वो रस को बढ़ाता है, वो रस की वैचित्र्य का एक साधन है। तो इसी प्रकार से किशोरी जी कह रही हैं कि जिस तरह हाथियों को पराजित करके सिंह उनके द्वारा स्वयं पुष्टि लाभ करता है, तो इसी तरह इस लोक या परलोक की बात हो या आत्मीय स्वजन कितने बड़े दुख दे दें, अवरुद्ध कर दें, नहीं जाने दें, गालियां दें, भर्सना करें, निंदा करें, हैं, या शत्रु वर्ग चंद्रावली वगैरह जो विपक्ष की सखियां हैं वो कितनी ही ऐसी योजनाएं बनाएं कि ये प्रेम ना कर पाए या इनका प्रेम ध्वंस हो जाए, कुछ भी ऐसे कानों में ऐसी सी बात ले आए लेकिन तो भी ना टूटे प्रेम। अपनी देह का सुख कौन नहीं चाहता, ठंड में गर्मी, गर्मी में ठंडी, हर कोई चाहता है सुख, हर कोई चाहता है। शरीर को सुख नहीं अगर दिया जाएगा तो शरीर बीमार पड़ जाएगा हम जैसे लोगों का, लेकिन गोपियों में तो देह का कोई अभिमान ही नहीं है, वो तो विदेही हो गई हैं। कोई विदेह हो सकता है क्या गोपिकाओं के अलावा, देह की स्मृति ही नहीं है उनको, ऐसे श्री कृष्ण के सुख में वो तन्मय हो गई हैं। तो निज देह और देह संबंधी समस्त विषय से, यहाँ तक कि जिसको प्रेम किया गया है, अगर वो नायक, वो श्याम सुंदर भी अगर कोई छोटा मोटा दुख ना दें, सुमेरु जैसा, सुमेरु सबसे बड़े पर्वत कहे गए हैं, सुमेरु से भी महान दुख अगर, क्लेश अगर दें, और तब भी अगर हमारा बलवान प्रेम उनको पराजित कर दे, उन क्लेशों को स्वीकार ही ना करे, उन्हें अनदेखा कर दे, हाँ, तो वो जो प्रेम है उन्हीं के द्वारा और पुष्ट हो जाएगा, जितनी बाधाएं आएंगी वो प्रेम और पुष्ट हो जाएगा। हमने अक्सर ये देखा अपने जीवन में, भक्तों के जीवन में, कि श्री कृष्ण का भजन करने के लिए लोग चले तो उनके घरों में बाधाएं उत्पन्न हुई, माता पिता ने, कभी पति ने, कभी पत्नी ने, सास ससुर ने, अड़ोसी ने, पड़ोसी ने, समाज ने बाधाएं खड़ी की, लेकिन उन बाधाओं के कारण एक जिद भी आ गई हृदय में कि नहीं, करके रहेंगे, भजन करेंगे ही करेंगे, तुम कितनी भी बाधाएं उत्पन्न कर दो, समस्त बाधाओं को ये प्रेम जो मेरा वो परास्त करके ही रहेगा। और इतना बलवान प्रेम कि अगर कृष्ण भजन नहीं कर रहे होते तो शायद हार जाते, लेकिन श्री कृष्ण का भजन कर रहे हैं और मन में एक सच्ची इच्छा है उनके चरणों की प्राप्ति की कि निकल आए, भजन करते चले गए, करते चले गए, और वो प्रेम तब जितना पुष्ट हुआ, बाद में जब अनुकूल परिस्थितियां हो गई तब तो कई बार वो प्रेम शिथिल हो जाता है, क्योंकि बाधाएं अब है नहीं, और हमने जो है साबित भी नहीं करना है कि हम श्री कृष्ण के प्रेमी हैं, अब तो सब अनुकूल है तो आराम से भजन हो रहा होता है ना। तो इसलिए जो बाधाएं हैं ये श्री कृष्ण प्रेम को पुष्ट करके रखती हैं, जितनी बाधाएं होंगी उतना ही जिद होगी, उतना ही हम अपनी मंजिल के करीब आते हैं। तो आगे हमारी किशोरी जी कह रही हैं, श्री राधा रानी के इस वाक्य का तात्पर्य ये है कि प्रेम पदार्थ अप्रतिहत प्रभाव संपन्न है, अगर ये एक बार प्रकाशित हो जाता है तो हजारों करोड़ों बाधाओं से भी ये बाधित नहीं होता है। इस लोक का जितना भी सुख है या परलोक का जितना भी धर्म है या स्वर्ग प्राप्त करने की चिंता, ये समस्त चिंता हृदय में अपनी जगह बनाने ही नहीं पाती हैं जिसे प्रेम हो जाता है। आत्मीय गणों का तिरस्कार,
शत्रुओं की निंदा ये कान में अपना स्थान बनाने नहीं पाती हैं, कान तक पहुंचती ही नहीं है। यहाँ तक कि अपने देह की रक्षा के संबंध में भी व्यक्ति उदासीन हो जाता है। यहाँ तक कि प्रणयी व्यक्ति अगर स्वयं प्रयास करे कि मैं ये प्रीति भंग कर दूंगा, श्री कृष्ण अगर स्वयं प्रयास करें कि अब ये प्रीति नहीं रहेगी, इसे भंग होना होगा, तो भी प्रेम भंग नहीं होता। समस्त कारणों के बावजूद प्रेम ध्वंस रहित रहता है। तो इसीलिए कहा भी है श्री उज्ज्वल नीलमणि में हमारे प्यारे श्री रूप गोस्वामी जी ने, गौड़ीय वैष्णवाचार्य श्री रूप गोस्वामी जी ने, सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम यूनो स प्रेमा परिकीर्तितः। युवक युवती का जो भाव बंधन है, अगर वो हर प्रकार के ध्वंस के कारण मौजूद होने के बाद भी ध्वंस ना हो, उसका वो नष्ट ना हो, तो उसी भाव बंधन को प्रेम कहा जाएगा। विविध क्लेशों के द्वारा तो प्रेम बाधित होता ही नहीं है, बल्कि और भी पुष्टि लाभ करता है। जैसे कि अभी बताया, जैसे कि कोई नदी बह रही है और उसके प्रवाह में अगर कोई बाधा देगा, तो वो जल प्रवाह उस बाधा को भी लांग करके दुगने वेग से बहने लगता है, दुगने वेग से। ऐसे ही प्रेम जितनी बाधा को प्राप्त करता है, उतना ही प्रणयी जन के प्रति चित्त का आकर्षण और बढ़ता जाता है। जितना बोलेंगे नहीं नहीं उससे प्रेम नहीं करना, है ना, उतना ही वो व्यक्ति ध्यान में आता है। जितना भी उसे बोलेंगे नहीं नहीं बेकार है वो व्यक्ति, सब समझा रहे हैं, उतना ही आकर्षित होता है चित्त, है ना। तो यह है प्रेम। तो यहां हमारे आचार्य कह रहे हैं कि जितना उस प्रेम में बाधा आती है, उतना ही वो प्रेम बढ़ता है, और तो और उतना ही नहीं 100 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। रस शास्त्र में भी आदि गुरु महामुनि भरत जी ने भी ऐसे ही कहा, बहुवार्ज्यते यतः खलु यत्र प्रच्छन्न कामुक त्वंच या च मिथो दुर्लभता सा मन्मथस्य परमारति। जिस प्रेम में लोक धर्म बहु प्रतिबंधक उपस्थित होता है, यानी कि जिस प्रेम में लोक धर्म बहुत अधिक होता है कि भाई ये लोक धर्म की मर्यादा निभानी पड़ेगी, और वो बाधाएं बन जाती हैं लोक धर्म, है ना, आर्य धर्म पति धर्म तुमको निभाना पड़ेगा, समाज को देखना पड़ेगा, दो कुल की मर्यादाएं देखनी पड़ेगी, तुम्हारे माता पिता की मर्यादा देखनी पड़ेगी, तुम्हारे सास ससुर के खानदान की मर्यादा देखनी पड़ेगी, है ना, लोग क्या कहेंगे, ये है लोक धर्म। और जिसमें मतलब ये बाधा हो, और जिसमें नायक नायिका का प्रच्छन्न कामुकता हो, यानी क्योंकि नायिका ब्याहता है, परकिया का अभिमान दिया गया है ना, तो वहाँ पति मन्य गोप हैं, पति तो कोई हो नहीं सकता, तथापि गोप हैं, भगवान से ही प्रकटित हैं सारे के सारे, तथापि एक अभिमान तो है कि पति हैं, क्योंकि यह नर्वद लीला है और श्रीमद् भागवतम के अनुसार ये लीला है। अगर इस लीला में कहीं भी कोई खोट या खराबी होती तो महाराज परीक्षित मरणशील हैं और कुछ ही समय में शरीर त्याग देंगे, तो शुक मुनि जी क्यों सुना रहे हैं ये सब लीला, अगर इतनी खराबी ही होती परकिया भाव की लीलाओं में। लेकिन चूंकि इसी में है रस की उत्कृष्टता और रसराज का रसिक शेखरत्व, इसीलिए इस लीला को बताए बगैर पूर्णतम आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है महाराज परीक्षित को या किसी को भी। तो जिसमें नायक नायिका का प्रच्छन्न कामुकता हो, कि वो अपने हृदय के प्रेम को अभिव्यक्त नहीं कर पाए, नायक भी सबके सामने ना बोल पाए, वृषभानु जी हैं, कीर्तिदा जी हैं, जटिला कुटिला अभिमन्यु या आयान घोष जो कह लीजिए,
और भी बहुत सारे प्रिया जी के परिकर हैं, पार्षद हैं, और श्याम सुंदर के इतने सारे सखा, बलराम जी, यशोदा जी, नंद बाबा, किसी के सामने तो राधा रानी कह नहीं सकती हैं कि श्याम सुंदर से हमको प्रेम है, मैं श्याम सुंदर को चाहती हूँ, नहीं कह सकती हैं, मर्यादा की बात है। तो प्रचंड कामुकता, तो चाहती तो हैं पर कैसे, चुपके चुपके। तो चुपके चुपके वो चाहत है, प्रचंड कामुकता दोनों ही में, और जो रति परस्पर दुर्लभतामयी हो। देखिए ये रस शास्त्र के आदि गुरु महामुनि भरत भी ये बात कहते हैं कि अगर स्वकीय भाव है तो वहां पर तो कोई लौकिक प्रतिबंध होगा ही नहीं, माताजी भी राजी, पिताजी भी राजी, पत्नी के लिए माता पिता जबरदस्ती अपनी कन्या भेज देते हैं, जाओ जाओ पति के पास रहो, उसे सुखी करो, यही तुम्हारा धर्म है, सास ससुर भी कहते हैं, तो मिलने में कोई बाधा नहीं है। और कोई प्रचंड कामुकता नहीं है, है ना, पति कहेगा पत्नी को कि तू ठीक है, तुम हमारी हो, जब चाहे तब हम तुमसे प्रेम करेंगे या तुम हमसे प्रेम करोगे, जब चाहे तब। और परस्पर दुर्लभ तो बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि सदा सर्वदा साये की तरह साथ रहते हैं एक दूसरे के, पति और पत्नी हैं, कहीं कोई उंगली नहीं उठा सकता, है ना। लेकिन यहाँ प्रेम का उत्कर्ष नहीं आएगा, प्रेम की गाढ़ता नहीं दिखेगी, प्रेम प्रगाढ़ हो ऐसा नहीं दिखेगा, है, और प्रेमी के लिए समस्त धर्म की तिलांजलि दी जा रही हो ये भी नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन हाँ, चूंकि भगवान की लीला है तो उसमें आनंद नहीं है ये तो कहा ही नहीं जा सकता, आनंदमयी लीला है, भगवान ही रसो ऐसा है, तो उनकी प्रत्येक लीला आनंदमयी है। पर प्रेम की पराकाष्ठा अगर देखना है तो परकीया भाव की लीला में आना ही पड़ेगा, वहां पराकाष्ठा है, ये तो हर कोई स्वीकार करेगा ही। तो बोला गया कि जहां बहुत बाधाएं हो, प्रचंड कामुकता हो और आपस में मिलना बहुत दुर्लभ हो, उसे ही मनमत संबंधी परमा प्रीति बोला जाता है। मनमत संबंधी, मनमत माने कंदर्प, कंदर्प संबंधी परम प्रीति, यानी वहीं पर रस का उत्कर्ष होता है, प्रीति रस का उत्कर्ष होता है, प्रगाढ़ होता है। इसलिए देखा जाता है कि जो प्रेम बाधा प्राप्ति से भी स्थगित ना हो, बहुत बाधाएं आ गई तो चलो जी प्रेम समाप्त हो गया, नहीं, और उल्टा वो उत्तरोत्तर उज्ज्वल होता जाए, जितनी बाधाएं उतना उज्ज्वलता उसके अंदर आ गई। हाँ, तो बताया गया कि ये प्रेम कैसा है, देखो जैसे कि कोई सिंह जिसकी देह की कांति स्निग्ध है, सिंह जो होता है उसकी देह की कांति चिकनाहट रहती है, उस पर थोड़ी चिकना सा होता है ना, फर होता है ना उस पर, तो स्निग्ध कांति वाला गर्व से भरा हुआ सिंह जब सोने जाता है तो उसे पता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बड़ा ही विश्वास लिए रहता है, तो निर्भय रूप में वो सो जाता है। इसी प्रकार जो प्रेम स्नेह गुण से विशिष्ट होता है, जिसमें स्नेह होता है ना, जहाँ स्नेह के अंदर एक खासियत होती है कि वहाँ नायक और नायिका का आकर्षण सदा सर्वदा नव नवायमान होता है और तृष्णा बढ़ती ही रहती है, उनको देखने की, उनको पाने की तृष्णा जो है, प्यास, वो बढ़ती ही रहती है, वर्धित होती रहती है, शांत नहीं होती स्नेह में। जहाँ स्नेह गुण हो, जो मान से उत्थित, जहाँ पर मान से उत्थित गर्व प्रकाशित हो, मान बहुत हो जाता है, मान में जो गर्व आता है वो गर्व भी उस प्रेम में होना चाहिए, है ना, यही नहीं कि हमेशा दक्षिणा नायिका, एकदम सीधी साधी सरल, जैसे बिठाया वैसे बैठ गए, जैसे चल दिया चलाया वैसे चल दिए, नहीं, तब वहाँ कोई रस वैचित्री नहीं होती, मान होना चाहिए, मान उत्थ गर्व प्रकाश पाए, और प्रणय जिसकी अवस्था विशेष, यानी मेरा ही ये प्रिय है, मेरा ही प्रिय। प्रणय का अर्थ यह है कि राधा कृष्ण अपने आप को एक दूसरे से अलग नहीं समझते, अभिन्न समझते हैं, प्रिया जी श्याम सुंदर के समस्त अंगों को अपने ही अंग जैसा समझती हैं, समझ रहे हैं, ये मेरा ही है, कहीं कोई संकोच नहीं, नहीं संकोच प्रीति,
इस प्रकार का जो मदीयता अभिमान में पूर्ण भावमय है, वही है प्रणय और वही है प्रेम। और इस प्रकार का प्रेम कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, नष्ट नहीं हो सकता, उसकी कोई संभावना नहीं है। इसलिए वो प्रेम प्रणयी के हृदय में निश्चल रूप से विराजित रहता है। निश्चल रूप से उस प्रेम को कोई डर नहीं है। वो प्रेम खत्म हो जाएगा, वहाँ कोई डर है ही नहीं। वो निश्चल रूप से, निश्चिंत रूप से वहाँ प्रेमी के हृदय में पड़ा रहता है। जैसे सिंह सो रहा है ना निर्भय होकर, वैसे ही कितना भी लाख कोशिश कर लो, ये प्रेम में मतलब रत्ती भर फर्क आने वाला नहीं है। कम हो जाए ऐसा भी नहीं है, उल्टा बढ़ेगा ही। जितनी बाधाएं होंगी उतना ही बढ़ेगा। और सिंह जिस प्रकार कुत्ते आदियों को, जो कुत्ते लोग भोंक रहे हैं, सिंह चले और कुत्ते आदि भोंके, तो उनको देखता भी नहीं है और उनको ग्रहण भी नहीं करता। ये नहीं कि कुत्ते का मांस खाता हो, ऐसा नहीं करता है सिंह। बताया कि वो कुत्तों को बिल्कुल ग्रहण ही नहीं करता। इसी प्रकार ये जो प्रेम है, कुत्ते जैसे दिखने वाले क्लेश समूह का गणना ही नहीं करता। प्रेम रूपी सिंह समस्त दुखों को एक कुकुर के समान समझता है। अरे हट, अस्पृश्य हटो, कोई क्लेश व्लेश नहीं है, प्रेम ही प्रेम है। अंधकार के अंदर जैसे दीप उज्ज्वल होता है, यानी कि अगर अंधकार ना हो, उजाले में दीप को रख दिया जाए, तो दीप की जो उज्ज्वलता है वो इतनी उज्ज्वल दिखेगी नहीं। लेकिन अगर अंधकार कर दिया जाए तो जो दीप की उज्ज्वलता है वो वर्धित तो होती रहेगी और बढ़ेगी, है ना। इसी प्रकार से क्लेश समूह के अंदर प्रेम का महात्म्य और अधिक प्रकाशित होगा, वो जरा भी क्षुण नहीं होगा, कम नहीं होगा। क्लेशों के अंदर, दुखों के अंदर प्रेम और बढ़ेगा। सखी, ये प्रेम प्रियतम को क्षण क्षण में नव नव रूप में आस्वादन कराता है और अतिशय मदाधिक्य, मदाधिक्य माने मेरापन का भाव, अतिशय मेरापन का भाव वो हृदय में ले आता है और त्रिलोक को चंद्रमा की तरह आह्लादित और प्रलय काल के सूर्य की तरह संतापित करता है। अर्थात ये कि देखो, हमारी श्याम सुंदर है बहुजन वल्लभ, गोपीजन वल्लभ। हमारे मंत्र में हम ये नहीं कहते हैं राधा वल्लभ, हम अपने मंत्र में कहते हैं गोपीजन वल्लभ, है ना, गोपियों के वल्लभ है। परंतु समस्त गोपियां श्री जी की ही कायव्यूह स्वरूपा है और समस्त गोपियां हैं राधा रस को ही आस्वादन करने की एक हेतु, राधा रस और भी अच्छे से आस्वादन। अगर ये गोपियां नहीं होंगी, विपक्षा सखियां नहीं होंगी, तो किशोरी जी के जो प्रेम की वैचित्री है, क्या वैचित्री, मान हो जाना, क्या वैचित्री, मान हो जाना, उत्कंठिता हो जाना, विप्लब्धा हो जाना, खंडिता हो जाना, है। श्याम सुंदर नहीं आए तो एकदम टूट गई, अधीर हो गई, धीरा अधीरा धीरा धीरा, ये समस्त जो रस हैं ये आस्वादन कैसे करेंगे श्याम सुंदर। ये सारे रस तो स्वकीय भाव में कभी भी आस्वादन नहीं किए जा सकते। ये तो जब बहुजन वल्लभ होंगे तब ये रस आस्वादन की संभावना है, अन्यथा नहीं है। इसीलिए परकीय भाव का आस्वादन करने के लिए इतने लोलुप हैं श्याम सुंदर। और दोबारा भी जब आए हैं गौर सुंदर के रूप में तो दोबारा से फिर वही लालसा है। स्वयं को श्री किशोरी जी ही समझ रहे हैं और श्याम सुंदर को क्या समझ रहे हैं, द्वारिकाधीश, कि भैया द्वारिका में चले गए हमारे श्याम सुंदर, कुरुक्षेत्र में चले गए, द्वारिका में चले गए, नीलाचल में जाकर के आस्वादन कर रहे हैं अपने श्याम सुंदर का। तो विचित्र स्थिति है। तो बहुत नायिकाओं में निष्ठा होने के कारण नायक बार बार नव नव नायिका की प्राप्ति के लालसा से उत्कंठित होता रहता है और
नायिकाएं भी नव नव भाव का आस्वादन दान देकर नायक को उत्फुल्ल कर देती हैं। तो ऐसे में जो श्री किशोरी जी हैं वो देखती हैं कि हमारे श्याम सुंदर तो कहीं और किसी रमणी के साथ रमण कर रहे हैं और उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो विरह दशा में तप्त होकर, उस विरह दशा को प्राप्त होकर वो इतनी विरहिणी हो जाती हैं, इतनी विरहिणी हो जाती हैं कि उनको समस्त जगत ही कृष्णमय लगने लगता है। मिलन में जहां एक कृष्ण से मिलन होता है, विरह में पूरा जगत ही कृष्णमय लगता है। और अतीत यानी भूतकाल में जो श्री कृष्ण से मिलन हुआ और भविष्य में जो विविध प्रकार के मिलन होने का जो आस्वादन, वो जो मिलन रूपी सुख स्वप्न वो जो संजोने लगती हैं, उसका वो एक अभूतपूर्व आस्वादन प्राप्त करती हैं, एक अभूतपूर्व आस्वादन सागर में डूब जाती हैं। श्याम सुंदर चले गए क्योंकि बहुजन वल्लभ है प्रिया जी को छोड़कर किसी अन्य नायिका के पास, है ना। अब वो भी रस वैचित्र्य का आस्वादन करने के लिए, अभी किशोरी जी बताएंगी कि अन्य नायिका के पास क्यों जाते हैं और मैं क्यों दुखी होती हूँ। क्या किशोरी जी इसलिए दुखी होती हैं कि अरे मेरे पास नहीं आए, मुझे सुख नहीं मिला? याद रखिए, किशोरी जी तो उनकी बात तो जान ही दीजिए, यहाँ तो किसी भी ब्रजवासी में स्वसुख की वासना है ही नहीं। किशोरी जी में तो हो ही नहीं सकती स्वसुख की वासना, वो इसलिए थोड़ी ना दुखी हैं कि श्याम सुंदर से मुझे सुख नहीं मिला। तब तो इसे काम कहेंगे, प्रेम कहेंगे नहीं, तब तो एक काम हो जाएगा ना। काम और प्रेम में तो बहुत अंतर है, एक अंधकार है तो दूसरा सूर्य सम है। तो संताप के सागर में डूब गई क्योंकि कृष्ण नहीं मिले विरह सागर में। लेकिन उस विरह में भी आनंद ही आनंद है क्योंकि जितने बार वो मिले हैं अतीत में, वो सब एक के बाद एक यादें चलचित्र की भांति आंखों में और दिमाग में, बुद्धि में, मन में घूमने लगती हैं। तो इतना इतना मिलन, इतना मिलन, और भविष्य में अब जब आएंगे तो कैसे मिलन होगा, वो भी सुख स्वप्न संजोते संजोते ऐसे आस्वादन के सागर में डूब जाते हैं उस विरह में भी। और चंद्र जिस प्रकार अपनी ज्योत्सना से त्रिभुवन को सुशीतल करता है, इसी प्रकार प्रेम मिलन अवस्था में, है ना, प्रेम में जब मिलन होता है नायक नायिका का, प्रिया प्रियतम का, तब उन्हें अनिर्वचनीय आनंद दान करता है ये प्रेम। जैसे कि चंद्रमा जलते हुए तन को शाम को रात को सुशीतल करता है। अभी कितनी दोपहरी है, कोई सोच नहीं सकता कि हम गर्मी में बाहर जाएं, सूर्य का ताप जला देगा, लेकिन रात्रि का जो चंद्रमा है वो आंखों को शीतलता प्रदान करता है, शरीर को शीतलता प्रदान करता है। ऐसे ही प्रिया प्रियतम का जो मिलन है एक दूसरे को सुशीतल करता है, जो कि विरह के बाद जो संताप जो विरह में उत्पन्न हुआ उसको सुशीतल करता है। जो नेत्रों का संताप विरह में उत्पन्न हुआ, नेत्र सुशीतल होते हैं। तो इस तरह से वो इस प्रेम के कारण अनिर्वचनीय आनंद जो है प्राप्त करते हैं प्रिया प्रियतम। इसलिए उनकी नजर में त्रिभुवन भी आनंदमय दिखता है कि त्रिभुवन आनंदमय है, स्वयं आनंदित होते हैं तो त्रिभुवन आनंदमय दिखता है। तो ये प्रेम नायक नायिका को तो आनंदमय कर देता है, लेकिन साथ में त्रिभुवन भी आनंदमय नजर आता है। और विरह दशा में यही प्रेम कोटि कोटि दामनल जंगल में, जो आग लग जाती है वो एक जंगल की आग ही बड़ी भयंकर होती, कोटि कोटि जंगल की आग से भी भयंकर यंत्रणा प्रद होकर के प्रत्येक वस्तु को ज्वालामय मानो कर देता है। हर चीज जल रही है, है ना। कोटि कोटि दावानल से भी भयंकर यंत्रणा, जिस जंगल में अग्नि लगती है उस जंगल में जो पशु पक्षी रहते हैं उनकी अवस्था बड़ी खराब हो जाती है, वो जलने लगते हैं, वो मरने लगते हैं, वो तड़पने लगते हैं, वो भागने लगते हैं पर भाग नहीं पाते हैं। इसी प्रकार से जो प्रेम है वो विरह अवस्था में
कोटि कोटि दावानल से अधिक यंत्रणा प्रद हो जाता है और प्रत्येक वस्तु ज्वालामय होती है। चंदन का कार्य है कि वो जलन को शांत करे, लेकिन चंदन को देखते ही किशोरी जी और ज्वाला महसूस करते हैं। चंद्रमा नेत्रों को शीतल करता है, लेकिन चंद्रमा से मानो आग बरसती है किशोरी जी के लिए। कमल से आग बरसती है। जो भी ठंडी वस्तुएं हैं वो सब ज्वाला में महसूस होती हैं कृष्ण विरह में। तो प्रिय सखी, किशोरी जी बोल रही हैं देवांगना रूपधारी श्री कृष्ण को कि इस त्रिभुवन में या त्रिभुवन से भी ऊपर है ना, ये जो पृथ्वी लोक है, इसके नीचे का जो लोक है और जो पृथ्वी लोक से ऊपर स्वर्ग लोक है, ये तीन लोक या इन लोकों से भी ऊपर जो हैं, कौन से महरलोक आदि जितने भी लोक हैं और अधोलोक जितने भी रसातल आदि तक नीचे तक चले जाइए, रसातल पताल आदि सारे ये लोक हैं, बोल रहे हैं कि इसमें ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के अलावा ऐसे प्रेम को धारण करने का योग्य पात्र भला और कौन है। फिर से सुनिए, प्रेम सिर्फ ब्रजेंद्र नंदन से ही किया जा सकता है, वही ऐसे प्रेम को धारण करने के योग्य पात्र हैं और किसी के पास फुर्सत नहीं है और किसी के पास वो योग्यता नहीं है। बोल रही है किशोरी जी, कहीं भी चले जाइए श्याम सुंदर के अलावा, है ना, ये त्रिभुवन में चले जाइए, परव्योम में चले जाइए, रसातल तक चले जाइए, नीचे तक की यात्रा कर लीजिए, ब्रह्मांड के परे चले जाइए, कृष्ण के अलावा ऐसा कौन है जो इस प्रकार का प्रेम कि जो जलाता है, जो आनंद देता है ना, उस प्रकार के प्रेम का जो विषय हो सके, वो प्रेम का धारण करना, उस प्रेम को धारण करना बड़ा मुश्किल है, कृष्ण ही कर सकते हैं। इस ब्रज भूमि में अनेक ब्रजांगनाएं हैं जो अपने प्रेमानुसार ही अपने भावानुसार ही उस प्रेम के तारतम्य का आस्वादन कर रही हैं। अनेक अनेक ब्रजांगनाएं हैं, पर सब किशोरी जी जैसा श्री कृष्ण की माधुर्य का आस्वादन थोड़ी ना कर रही हैं। किशोरी जी के पास है मादनाख्य महाभाव, मोहनाख्य महाभाव, जिसके द्वारा वो श्याम सुंदर के संपूर्ण माधुर्य का पूर्णतम आस्वादन कर रही हैं। लेकिन समस्त ब्रजांगनाओं के पास ये भाव थोड़े ही हैं मादनाख्य महाभाव, किंतु फिर भी वो महाभावती तो है ही, कमोबेश कुछ तो आस्वादन कर ही रही हैं, लेकिन अपने भाव अनुसार प्रेम आस्वादन कर रही हैं। इसका अर्थ ये है कि संपूर्ण स्वाधीन, ये बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, संपूर्ण स्वतंत्र स्वाधीन और निश्चिंत अगर ना हो और असाधारण स्वरूपगत धर्मजनित अभिमान अगर ना त्याग किया जाए, तब कभी भी प्रेमी नहीं हुआ जा सकता। श्री कृष्ण अगर प्रेमी नहीं होंगे तो उनसे कोई प्रेम करेगा ही क्यों? श्री कृष्ण भी तो प्रेमी हैं, प्रिया जी प्रेम कर रही हैं, अगर श्याम सुंदर प्रेम का प्रतिकार नहीं करेंगे, वो प्रेमी नहीं होंगे, वो किशोरी जी के प्रेम का उत्तर नहीं देंगे, तो प्रेम कैसे हो पाएगा? दोनों को प्रेमी होना पड़ेगा ना। तो किशोरी जी कह रही हैं कि देखो, संपूर्ण स्वाधीन और संपूर्ण निश्चिंत अगर नहीं होगा और असाधारण स्वरूप जो है भगवत स्वरूप, उसका जो धर्म होता है और उस धर्म से जो गर्व उत्पन्न होता है, वो अभिमान भी जो त्याग कर पाएगा, है ना, तभी वो प्रेमवान हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। मनुष्य मात्र कभी भी प्रेमिक नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, ये जो दुनिया आजकल एक दूसरे के पीछे पड़ी है ना, आई लव यू कहते हुए, वो हमसे प्रेम नहीं करता है तो हम कूद गए रेलवे के आगे, तो हम वहाँ छत से कूद गए, क्या प्रेम हो ही नहीं सकता, करोगे क्या है? ये तो यहाँ बताया कि संपूर्ण स्वाधीन, कौन है संपूर्ण स्वाधीन? अगर कोई चला भी गया किसी लड़की को ले करके, तो कहाँ है वो संपूर्ण स्वाधीन? पहले तो उसकी इंद्रियाँ ही अपटु हैं, इंद्रियां ही पूर्ण नहीं है, आंख रोशनी में ही देखती है, बिना रोशनी के देखती ही नहीं है, कान वायु के सहारे ही सुन सकते हैं, सुन ही नहीं सकते, इंद्रियां ही बेकार हैं, हाथ पैर जो हैं वो
चमड़े के बने हुए हैं, हड्डी के बने हुए, इधर टूट मुड़ गया टूट जाएगी, ठीक है। तो पूर्ण प्रेम के क्या कला कोई विकास करेगा, फिर ऊपर से नौकरी करेगा, 12-15 घंटे कमाएगा कि बैठ के प्रेम जताएगा, खाएगा क्या? तो सुबह 6 बजे से निकल जाएगा और रात के 8-9 बजे तक वो नौकरी करेगा, फिर आएगा, फिर पत्नी उसको खिलाएगी, खिलाएगी तो फिर उसके बाद प्रेम की 2 बातें करेंगे और एक क्रिया करके सो जाएंगे, हो गया प्रेम। उसे प्रेम कहते हैं? वो प्रेम नहीं है, पशुवत व्यवहार है। प्रेम हो ही नहीं सकता इस जगत में, जगत की वस्तु ही नहीं है प्रेम। प्रेमिक जो है नायक संपूर्ण स्वाधीन और अगर निश्चिंत होगा और उसका असाधारण स्वरूप होगा तभी उससे प्रेम हो सकता है, भगवान से ही प्रेम हो सकता है, उन्हीं का असाधारण स्वरूप है श्याम सुंदर का, अन्य किसी भगवत स्वरूप में भी असाधारण स्वरूप नहीं है, जैसा कि हमारे गोपेंद्र नंदन में है, हमारे ब्रजेंद्र नंदन में है, हमारे नंद नंदन में है, हमारे श्याम सुंदर में है। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य है वो काल के द्वारा नियंत्रित है, आया है अभी सुबह गया बाहर गाड़ी के नीचे आ गया मर गया, आया है अभी ब्याह करके आया है, बारात जा रही थी टक्कर लगी दूल्हा दुल्हन मर गए, है ना, प्रेम करने जा रहे थे बेचारे, है ना, अच्छा चलो घर भी पहुंच गए तो भी काल है, उम्र जा रही है, काल ने आप सबको ढका हुआ है, कल तक तो भाई मुझे 2 दिन पहले तो बहुत प्यार कर रहे थे, अब 2 साल बाद प्यार नहीं रहा, तो प्यार था ही नहीं तो रहेगा कहाँ, प्रेम तो वही है ना जो ध्वंस नहीं हो, तुम्हारा प्रेम तो ध्वंस हो गया तो प्रेम था ही नहीं राइट फ्रॉम द बिगनिंग, डे 1 से प्रेम नहीं है, पर प्रेम 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 चिल्लाती है पूरी दुनिया, गाने बनते हैं बहुत कुछ होता है लेकिन प्रेम है ही नहीं। तो प्रेम की शर्त बता रही हैं, किशोरी जी ने बोल दिया कि मनुष्य सर्वदा काल कर्म, बिना नौकरी किए बिना बिजनेस किए बिना कोई काम धंधा किए तो कैसे रहेगा भाई, तुम क्या खाओगी हम क्या खाएंगे, फिर उसके बाद बाल बच्चे, कहाँ रहा प्रेम, तो एक चकरघन्नी में घूम गया, संसार दशा में पहुंच गया बेचारा, प्रेम कहाँ है, प्रेम तो है ही नहीं। तो कर्म और फिर माया, माया तो लगी पड़ी है, हम हैं श्री कृष्ण के दास या किशोरी जी की दासी लेकिन माया ने हमें भुला दिया, हमें याद ही नहीं आने दिया। तो काल कर्म माया और इंद्रिय आदि के द्वारा वो नियंत्रित है बेचारा, इंद्रियां उसको नियंत्रित करती रहती हैं। पत्नी चाह रही है कि प्रेम करो, प्रेम करने की चीज तो होती नहीं है, प्रेम तो है तो प्रेम है, बताया ना विचार पूर्वक इसे नहीं लाया जा सकता, अविचार पूर्वक इस पर कार्य नहीं किया जा सकता, ये तो स्वभाव बन जाना चाहिए, है ना। वो कह रहे हमको तो बहुत भूख लगी है प्यास लगी, अरे तुमने खाना नहीं बनाया, अरे तुमने नमक इतना डाल दिया, ये क्या होगा तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, बॉस ने वहां डांट दिया, यहाँ पर गुस्सा उड़ेल रहे हैं, बहुत कुछ कहाँ है प्रेम, सब सब मजबूर हैं बंधन में हैं, कहीं प्रेम नहीं है इस जगत में, प्रेम वस्तु नहीं हो सकती। और उसके बाद चूंकि काल कर्म माया और इंद्रियों के द्वारा नियंत्रित है इसलिए निश्चिंत भाव से वो किसी को प्रेम नहीं कर सकता, निश्चिंतता ही नहीं है। और सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ी सामग्री तो यही है कि प्रेम एक निश्चिंत हो, प्रेम का जो विषय है वो निश्चिंत होना चाहिए, हमें समय दे पूरा का पूरा, हमारे प्रेम का अगर हम 100% प्रेम कर रहे हैं तो 200% हमसे प्रेम करें, प्रेम का पूरा पूरा एक उत्तर मिलना चाहिए हमें, वो श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। फिर कहते हैं अब गुणावतार से शुरू हो जाओ, गुणावतार सतोगुणी भगवान विष्णु भगवान शिव जितने गुणावतार हैं, मनवंतर अवतार हैं, पुरुषावतार हैं, जितने भी अवतार हैं उनसे शुरू करके परव्योम अधिपति श्री नारायण तक समस्त भगवत स्वरूप वृंद हैं और सब परम स्वतंत्र भी हैं, लेकिन उनके पास एक कार्य है साधुओं का परित्राण करना और धर्म की संस्थापना करना, सृष्टि का कार्य करना, इन सब में वो इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके अंदर एक अभिमान हमेशा छाया रहता है कि हम भगवान हैं, उनके अंदर एक अभिमान हमेशा छाया रहता है कि हम भगवान हैं,
इसलिए वो क्षण काल के लिए भी निश्चिंत नहीं हो पाते हैं और अपने ऐश्वर्य का त्याग नहीं कर पाते हैं। इसलिए वो किसी के साथ भी सरल भाव से प्रेम नहीं कर पाएंगे। श्री कृष्ण का जो प्रकाश है ना, उनके जो दो प्रकाश है, मथुरानाथ और द्वारिकानाथ, वो भी इसी कारण से सच्ची प्रीति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो भी बिजी रहते हैं, असुरों का नाश करें, शत्रुओं का नाश करें, जब देखो तब युद्ध 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 यही चला है द्वारिकाधीश जी के साथ, मथुराधीश जी के साथ। किंतु श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण संपूर्ण निश्चिंत हैं, क्योंकि वो स्वयं राजा नहीं है, वो तो राजा के पुत्र हैं। राजकुमार प्रीति कर सकता है, राजकुमार जो है वो प्रीति का विषय है, क्योंकि निश्चिंत है, पिताजी देखेंगे राजकाज, अपने को क्या लेना देना, हम तो गोपियों से प्रेम करेंगे। और क्यों ना करें, ये तो भाव ग्राह्य जनार्दन है ना, ये तो भाव ही ग्रहण करते हैं, ये तो प्रेम ही इनका आहार है। तो जहाँ प्रेम होगा, जैसा प्रेम होगा वैसा ही उसका उत्तर देते हैं, वैसा ही भाव इनके अंदर भी उत्पन्न हो जाता है। उदासीन है, परम उदासीन है, लेकिन इनके स्वभाव का, इनके स्वरूप का एक धर्म है कि ये भक्तों के प्रेमानुसार प्रेम कर बैठते हैं, ये रह नहीं सकते, ये स्वरूप का धर्म है। जैसे कि अग्नि का स्वरूप धर्म है कि वो जलाएगी ही जलाएगी, दाहिका शक्ति, ऐसे ही इनके अंदर है प्रेम, भक्तों के प्रति प्रेम होता है उनके प्रेम को देखकर। जैसा प्रेम होगा, जिस जाति का प्रेम होगा, उस जाति का इनके अंदर प्रेम आ जाएगा, और जिस परिमाण में प्रेम होगा उस परिमाण में इनके अंदर प्रेम आ जाएगा। तो कृष्ण संपूर्ण निश्चिंत हैं, और यहां तक कि किसी को प्रेम करने के समय वो अपनी भगवत्ता तक को भूल जाते हैं, उन्हें याद ही नहीं रहता मैं भगवान हूं। पता रहता उन्हें कोई तुम भगवान हो? यहां तक कि उनके साथ जो होती है मंजरियां, वो भी सुना देती है, अरे ये कौन हमको आवाज दे रहा है, पशु गंवार कौन दे रहा है हमारी किशोरी जी को, जो नाराज करके यहाँ बैठा हुआ है, अरे किसने आवाज दी, ओहो तुम पशु चराते हो, इसमें इसीलिए तुम में बुद्धि नहीं है, तुम क्या हमारी वृषभानु नंदिनी के साथ, हमारी राजकुमारी के साथ, हमारी स्वामिनी के साथ पाशा क्रीड़ा खेलोगे, तो बुद्धि जिनके अंदर है उनका खेल है, तुम अपना काम करो, जाके पशु चराओ, पशु चराओ, वेणु बजाओ, यही काम है तुम्हारा, जाओ धेनु चराओ, वेणु बजाओ, है ना। तो अब समस्त भगवत स्वरूप इन्हीं से प्रकट होते हैं, ब्रजेंद्र नंदन से। सबके ये कारणों के अंतिम कारण यही है, लेकिन भूल जाते हैं, इन्हें याद नहीं रहता। तो इसीलिए ये ही एकमात्र प्रेमिक होने के योग्य हैं, इन्हीं से प्रेम किया जा सकता है, और संपूर्ण रूप से अन्य अभिलाष, यहां तक कि स्वसुख अनुसंधान का अगर लेश मात्र भी हृदय में रहा तो कभी यथार्थ प्रेमिका होना संभव नहीं। अगर कोई इनको प्रेम करना चाहती है गोपी, तो उसके अंदर अगर कोई जरा सा भी अन्य अभिलाषा हुई, यहाँ तक कि अपने सुख का हल्का सा भी अनुसंधान रहा, है ना, ये मत समझना कि किशोरी जी में स्वसुख का अनुसंधान नहीं है पर चंद्रावली जी में है, ऐसा नहीं है। चंद्रावली जी में भी स्वसुख का अनुसंधान नहीं है, गोपियां समस्त गोपियों में स्वसुख का अनुसंधान नहीं है, वो नहीं जानती स्वसुख क्या है, वो कृष्ण सुख के लिए तत्पर रहती हैं, है ना। लेकिन तो भी वहाँ एक कैच है, क्यों किशोरी जी रोती हैं, वही किशोरी जी बताएंगी, वही बताएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो वो अब बता रही हैं कि प्रेमिका किस किस्म की होनी चाहिए जो श्याम सुंदर को वशीभूत कर सकती हैं, श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो अगली दफ़ा हम इस पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदी हरि हरि।